उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद के साथ आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव पर जमकर हमला बोला। निरहुआ ने तंज कसते हुए कहा कि भले ही वो कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ में रहेंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन रहेंगे, वो 3 दिन वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग जमीनी नेता हैं, हार और जीत अपनी जगह पर है, लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं। आजमगढ़ सदर लोकसभा सीट से उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ये भी कहा कि हारने के बाद भी जनता के बीच थे और जीतने के बाद भी जनता के बीच में हैं। उन्होंने दावा किया कि आगे भी हम जीतेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। नेता जी का असली उत्तराधिकारी मैं हूँ, निरहुआ। आजमगढ़ में भवरनाथ स्थित केंद्रीय चुनाव दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ये भी कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में अच्छा काम किया था। इसके बाद जनता ने अखिलेश यादव को मौका दिया, लेकिन वो 4 साल में ही मैदान छोड़कर भाग गए। इसलिए नेताजी का असली उत्तराधिकारी मैं हूँ, जो नेताजी के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आजमगढ़ में रिंग रोड बन रहा है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो गया, संगीत महाविद्यालय बन रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो धरती पर काम करता है वही धरती पुत्र मुलायम सिंह उत्तराधिकारी हो सकता है, हवा में रहने वाला नहीं। धर्मेंद्र यादव 3 दिन वाले नेता। निरहुआ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव 3 दिन वाले नेता हैं। 3 दिन रहने वाला नेता 30 दिन रहने वाले नेता से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। बता दें कि रविवार यानी 31 मार्च को भवरनाथ स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर निरहुआ की जीत के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ कृष्णपाल, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, पूर्व जिला अध्यक्ष पीपी राय, जिला प्रभारी अशोक सिंह, पूर्व विधायक रामदर्शन यादव, पूर्व विधायक वंदना सिंह आदि की मौजूदगी में फीता काटकर केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए निरहुआ ने कहा कि 24 घंटे 300 दिन और 12 महीने ये दफ्तर रहता है। हम लोग वो प्रत्याशी नहीं हैं जो सिर्फ चुनाव में आकर ऑफिस खोलें, चाहे जीतें चाहे हारें और भाग जाएं, हम लोग पूरे समय रहते हैं। आज जो केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है पूजा पाठ करके किया गया है, बाकी ये ऑफिस तो हमेशा रहता है। मुख्तार अंसारी की मौत पर क्या बोले निरहुआ। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे सवाल पर सांसद निरहुआ ने कहा कि इसकी जांच होगी और सच्चाई सामने आ जाएगी। आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है। मुख्तार अंसारी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, ये कानून तय करता है, कोर्ट तय करता है कि अपराध किया है या नहीं किया है।